स्थिति रहती थी कि भाई मुझे क्या रिजल्ट आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे टेंशन में रहते थे, बट कुछ बच्चों को अगर आपने देखोगे तो मस्ती मजाक वो टाइम टू टाइम रहेगा, और लेकिन जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ना ही चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्कूल में मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन पढ़ते रहेंगे। ये ही एक मिसाल मेरे साथ एक बच्चा है जिसका नाम अथर्व है, और ये खुद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको मैंने देखा है कि ये कितना मस्ती करता है। अथर्व जो है SIS स्कूल का स्टूडेंट है और SIS में फर्स्ट रैंक आया। अब इसी से बात कर लेते हैं कि आखिर इसने कैसे बैलेंस किया और अब वो कितना खुश है। अथर्व सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या फील हो रहा है, कितना परसेंटेज आया, क्या कहना चाहिए? 97.20% आया, और इतने 10 साल से ये इच्छा थी कि स्कूल से फर्स्ट आके स्कूल में वॉल ऑफ फेम पे मेरा नाम आ जाए, तो आज वो सपना भी पूरा हुआ। पढ़ाई करते थे, मस्ती भी बहुत करते थे, कैसे बैलेंस करते थे? पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और मस्ती के वक्त मस्ती, फिर बैलेंस हो जाता था। मुझे अपने फ्रेंड सर्कल से कैसा रहा? अपने फ्रेंड सर्कल तो बहुत मेरे फ्रेंड सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरे स्टडीज में भी हेल्प की, कभी उन्हें हेल्प चाहिए थी तब मैं हेल्प करता था, मुझे हेल्प करती थी वो हेल्प करते थे, और फ्रेंड्स की वजह से मैं लाइक सब कुछ बैलेंस भी कर पाता था। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जैसे पता चला कि आई एम द टॉपर मोस्ट ऑफ SIS, क्या फील हुआ एट वन सेकेंड? वो तो लाइक इनडिस्क्राइबल थे, दिस इज एज अ मिरेकल यू कैन से। फोन आया था, पहला फोन किसका आया और उन्होंने क्या कहा आपको? पहला फोन अंकल का था और उन्होंने कहा हमारे फैमिली में से टूरी है जो अभी तक इतने सबसे ज्यादा परसेंट ला सका है, और पिछले 10 साल में या आगे वाले 10 साल में और इतने कोई ला नहीं सकता हमारे फैमिली में से, ये उनके शब्द थे। स्कूल से किसका फोन आया? चूंकि SIS जो है एक अपने आप में, जैसे स्कूल है कॉलेजेस है, वो अपने आप में एक ब्रांड रखता है और उस ब्रांड में वो आपका नाम भी जुड़ गया है, तो टीचर्स लोगों का क्या रिएक्शन? टीचर्स भी बहुत खुश थे, जब भी हमारे प्रिंसिपल का फोन आया था वो भी बहुत खुश थे, लाइक उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि आपसे एक्सपेक्टेड है और उनके एक्सपेक्टेशन पूरे कर पाया, तो वो भी बहुत खुश थे। सबसे पहली बात, कितना घंटा पढ़ाई को देते थे? 3 घंटा बस होता था और हाफ या वन आवर सेल्फ स्टडी हो जाता था, पूरा हो जाता। सबसे पहला बात ये होता है कि जब अपन पढ़ाई करते हैं तो पेरेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो पेरेंट्स का कैसे सपोर्टिव रहा? पेरेंट्स मुझे स्पेशली डैड फिजिक्स और साइंस और मैथ्स में बहुत हेल्प करते थे, मम्मी लैंग्वेजेस में हेल्प करती थी, तो उसके वजह से मेरे दोनों सब्जेक्ट्स लाइक दोनों अपोजिट सब्जेक्ट्स बैलेंस हो गए और उसके वजह से मेरे स्कोर्स आ पाए। कहीं ना कहीं जैसा देखा गया है कि बच्चे जो है 10th में बहुत प्रेशर रहता है उनके पास, तो आपके अभी ऐसे कुछ था? प्रेशर स्टार्टिंग में होता है क्योंकि पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पर क्लासेस में स्कूल में टीचर्स गाइड करते हैं कैसी पढ़ाई करनी होती है, वो एक बार फॉलो किया पैटर्न शेड्यूल फिट हो गया तो हो जाता है, इजीली हो जाता है सब कुछ, ज़्यादा प्रेशर में गए तो करके भी कुछ फायदा नहीं होता, विदाउट प्रेशर थोड़ा करे तो हो जाता है इजीली। क्या कहना चाहोगे, आगे क्या बनना चाह रहे हो? मुझे इंजीनियरिंग करना है IIT से, सो उसके लिए स्टडी स्टार्ट किया। ट्यूशन्स में भी फोन आए होंगे फ्रेंड्स को, कुछ फ्रेंड्स मिले क्या जो बम्पर ऐसे करते थे? फ्रेंड्स के तो बहुत कॉल आने चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन टॉपर बहुत मैसेज आने लगे थे, तो वो लोग भी बहुत खुश थे, और फ्रेंड्स में भी कंपटीशन होती है, सो कंपटीशन वो भी अच्छे थे। तो सेकंड रैंक किसका आया? सेकंड रैंक मेरे स्कूल से गायत्री पाटिल है, उनका आया था, वो 96.80% आया उन्हें, तो उनका फोन आया आपको? उनका भी मैसेज आया था, तो काफी अंदर से एक फीलिंग्स होगा जब फ्रेंड्स लोग मिलेंगे तो वापस एक अंदर से फीलिंग्स। क्या माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो एक्साइटमेंट का होता है, उससे पहले टेंशन का होता है, लाइक रिजल्ट के 15 मिनट्स पहले बहुत टेंशन होता है, सारे फ्रेंड्स का मैसेज कर रहे कैसे होगा रिजल्ट, क्या होगा, और फिर वैसे जब रिजल्ट निकलने की जो एक सेकेंड्स की थी समय, उससे मन में क्या आ रहा? कुछ मतलब ब्लैंक हुआ था पूरा, टोटली ब्लैंक हो गए थे, पेरेंट्स भी साथ में बैठे थे, पेरेंट्स
सब लोग ब्लैंक हो गए। मम्मी टेंशन में थी, पापा चेंज थे और मैं ब्लैंक ब्लैंक थे। सबसे बड़ी बात है इतना मस्ती करते हो, मस्ती को साइड में रख के ब्लैंक बना रहे था। वो तो स्कूल में मस्ती, क्लासेस और घर पे पूरी पढ़ाई, तो फिर स्कूल में मस्ती भी होती थी, एंजॉयमेंट होता था और स्ट्रेस रिलीव हो जाता था, फिर पढ़ाई करने के लिए रिफ्रेश। ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे था। अब जो तुम्हारे फ्रेंड्स जो टेंथ में जा रहे हैं, इस बार टेंथ कर रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे ताकि वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल तुम्हें समझे? कंसिस्टेंसी, बस कंसिस्टेंसी, कभी गिव अप नहीं करना, कुछ नहीं आता तो ट्राई करो, हो जाता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, उससे काम हो जाएगा। आजकल देखोगे कि मैक्सिमम बच्चे जो है इंस्टा फेसबुक उस पर रहते हैं, रील्स ज़्यादातर ध्यान रखा जा रहा है, पेरेंट्स भी प्रेशर में रहते हैं बच्चे भी। रील्स ओके है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, पर वो लिमिट होना चाहिए, किसी बात का लिमिट हो तो अच्छा होता है। तो यही समझ देना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को लोगों का? इंस्टा पे हो तो रहो, पर आकार बनाना इनफ होता है, उससे ज्यादा करोगे तो लाइक उसमें पूरा एंटेंगल हो जाता है। मम्मी नहीं है? मम्मी है ना। तो बस यही मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो है शुभकामना देती हूँ, और जो तुम्हारा सपना है 100% वो सपना तुम्हारा पूरा होगा, क्योंकि भगवान जो है तुम्हारे साथ है, और प्लस में जिस तरह से तुमने मेहनत किया है वो मेहनत आज रंग रहा है, और ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स होंगे उनके लिए एक मिसाल भी बनता है कि मस्ती करो लेकिन साथ में जब पढ़ाई है तब सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, मस्ती को साइड रख के, और तुम उसके एक जीता जागता ये कह सकते हो कि एकदम एक उदाहरण हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे तुम इंजीनियर जिस तरह से तुम्हें बनना है वो इंजीनियर बन के दिखाओ, और हमारा अपने तरह जो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं उसको भी अगर गाइड करो कि इन केस उन्हें कहीं प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आकर के तुम्हारे एक वो हेल्प करें। थैंक यू। थैंक यू।